दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आपको बताने जा रहा हूँ नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। नोटबुक की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये हर घर में यूज होता है और इसे स्कूल चाइल्ड से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक, जैसे इस बिजनेस के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, इसके लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए मशीन कहाँ से खरीदेंगे तथा इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसके लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी, प्रोडक्ट बनाने के बाद इसे कहाँ बेचेंगे, मतलब इसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे, और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस को करने से कितना मुनाफा होगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन कहाँ से मिल सकता है एवं कितनी सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कितने स्पेस की जरूरत होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कम से कम इसके लिए कम से कम 30 गज जगह की जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं मशीन एवं रॉ मटेरियल्स की। इस बिजनेस में चार तरह की मशीनें यूज होती है, पहला स्टिचिंग मशीन, दूसरा कटिंग मशीन, तीसरा स्क्वायरिंग मशीन और चौथा पैकेजिंग मशीन। स्टिचिंग मशीन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों होता है। पर रॉ मटेरियल्स जो यूज होता है वो होता है रोल पेपर और नोटबुक कवर, एवं अगर आप गत्ते वाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गत्ता यूज होता है। इस बिजनेस में होती है ये कंपनी सारी चीजें अवेलेबल कराती है तथा मशीन चलाने की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। अगर आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सारे मशीनें एवं रॉ मटेरियल्स को लेकर के कम से कम 6 से 6.5 लाख में मशीन और इस तरह कुछ ही समय में नोटबुक बनके बिकने के लिए तैयार हो जाती है। 15 से 20 मिनट के अंदर कम से कम 6 से 8 कॉपियां बनके तैयार हो जाती हैं। कॉपी बनके तैयार हो जाने पर इसे आवश्यकता अनुसार पैक करना पड़ता है। यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे होलसेल अथवा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है। होलसेल में पैक करने के लिए बड़े पैकेज बनाए जा सकते हैं। बड़े बड़े बैग्स में डीलर को आवश्यकता के अनुसार कॉपी पैक किया जा सकता है। यदि रिटेल में अपना ब्रांड सीधे सीधे उतारना चाहते हैं तो इसके प्रति पैकेट 6 कॉपी का पैक बनाएं और विभिन्न स्टेशनरी दुकानों पर जाइए और उनको अपनी कॉपियों के रेट्स बताकर आप अपनी कॉपियां बेच सकते हैं। आपका बिजनेस अगर चलने लगे तो उस हिसाब से आप अपनी मशीनों को बढ़ा करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आती है लाइसेंस की बात कि इस बिजनेस के लिए कौन कौन सा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपना ब्रांड बनाकर बेचना चाहते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप बिना ब्रांड के भी नोटबुक को मार्केट में बेच सकते हैं। इसके लिए आप उद्योग आधार में अपने कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराए भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। बाकी बात रही जीएसटी की, जीएसटी की जरूरत तब पड़ती है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाता है। उसके नीचे जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप बिना जीएसटी के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी मार्केटिंग, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए अगर आप होलसेलिंग करते हैं तो होलसेलर से कॉन्टेक्ट करना होगा, और अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं तो आपको बुकसेलर से कांटेक्ट करना होगा, स्टेशनरी स्टोर से कांटेक्ट करना होगा, जनरल स्टोर से कांटेक्ट करना होगा, किराना स्टोर से कांटेक्ट करना होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको होलसेलर से कांटेक्ट करना होगा। अगर आप ज्यादा ऑर्डर चाहते हैं इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया एवं जस्ट स्टाइल में संपर्क कर सकते हैं, और इन सबको करने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अपना मार्केटिंग स्टाफ रख सकते हैं जो मार्केट को देखेगा, और कम से कम 2 लेबर की जरूरत पड़ेगी जो नोटबुक बनाने में मशीनों को हैंडल करते हैं।
चूंकि नोटबुक की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा होती है, इसे आप रूरल एरियाज पे स्टार्ट करें या अर्बन एरियाज पे स्टार्ट करें, सारी जगह पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जहां तक लोन और सब्सिडी की बात है, आप सरकार की एक वेबसाइट PMEGP गूगल में टाइप करें, उस साइट खुल जाएगी, वहां पे आप इस बिजनेस से रिलेटेड लोन के बारे में देख सकते हैं कि इसमें कितना लोन मिल सकता है, कितनी सब्सिडी मिलती है। और बिजनेस लोन के लिए आप अपने नजदीक के बैंक में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हमें लोन की जरूरत है तो हमें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएं, उसके बाद आपको बैंक से बिजनेस लोन मिल सकता है। में ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक दिन के ट्रेनिंग इसके लिए काफी हो सकता है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि इसमें कितनी मशीनें यूज होती है और ये कैसे कैसे काम करती है। इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है, आप कहीं पे भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 3 बंदे की जरूरत होगी, एक मार्केटिंग स्टाफ रख सकते हो, 2 लेबर रख के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई, लाइक से कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट के अपलोड चैनल से आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।